नमस्कार, मैं डॉक्टर रचित गुलाटी, मेडिकल डायरेक्टर साउल ऑर्थो केयर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सर्दी के प्रभाव का और कैसे अपने जोड़ों को सुरक्षित रखें, दर्द रहित रखें सर्दियों के मौसम में। पहले तो हमें ये जानना होगा कि सर्दियों में ऐसा क्या होता है कि आर्थराइटिस के पेन्स बढ़ जाते हैं। पेशेंट कंप्लेन करने लगता है कि जैसे ही ठंडा मौसम आया मेरा आर्थराइटिस का दर्द बढ़ गया। उसमें सबसे पहला कारण है कि हमारी बॉडी ओवरऑल, चाहे हम स्किन की बात करें, मसल की बात करें, हड्डियों की बात करें या जॉइंट की बात करें, वो ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं दर्द की तरफ। इसलिए अनुमान तौर पे आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में अगर हमको चोट लग जाए तो हमें दर्द कॉमनली ही ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ हमारे मसल्स स्पैज़म में हो जाते हैं। ज़्यादा ठंडे वेदर में हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी कि पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून हमारे हाथ पांव और जोड़ों तक कंपैरेटिवली कम पहुंचता है। उसके साथ साथ जैसे कि नॉर्थ इंडिया में देखा गया है, सर्दियों के मौसम में अक्सर धुंध हो जाती है, कोहरा हो जाता है, सनलाइट कम आती है, इसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो जाती है। इसके साथ साथ सर्दियों में हमारे जीवन शैली में भी एक बदलाव आता है, खानपान में भी बदलाव आता है, हम लेस एक्टिव हो जाते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। साथ साथ खाने पीने में हम सैचुरेटेड फैट्स का सेवन यानी कि घी तेल का सेवन बढ़ा देते हैं। ये 5-6 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से सर्दियों में ऐसा देखा जाता है कि आर्थराइटिस का पेन बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहली चीज़, जितना हो सके अपने हाथ और पाँव को कवर करके रखें। सॉक्स और ग्लव्स यानी कि मोजे और दस्तानों का इस्तेमाल करें। कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपरली लें। जब आपको धूप मिले तो धूप जरूर सेकें। सुबह 9 से 11 बजे 15% बॉडी को 15 मिनट के लिए धूप जरूर दिखाएं। कैल्शियम अच्छे से लें डाइट में। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अच्छे से करें। जितना हो सके खाने में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल कम से कम करें। बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट लें। इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन को जरूर से अवॉइड करें। सर्दियों में अक्सर पेशेंट पानी पीना बहुत कम कर देते हैं। रोजाना 3-4 लीटर गिन के या माप के पानी पीना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप नारियल पानी या नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू पानी एक बहुत लाभदायक चीज़ है आर्थराइटिस में। विटामिन सी हमारे हड्डियों की परतों जो कमज़ोर हो जाती है उसको रीजनरेट करने का काम करता है। इसके साथ साथ बेहद इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्टिव रहें, जितना हो सके अपने हाथ पांव चलाते रहें, बिल्कुल भी आसीन जीवन शैली ना अपनाएं, सेडेंट्री ना हो जाएं। अगर आप बाहर जाके कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पे ही कार्डियो एक्सरसाइज करें, योगा करें, ट्रेडमिल्स, स्पिनिंग साइकिल्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अवश्य एक्टिव रहें। इसके बावजूद भी अगर आपका दर्द बढ़ जाए तो शीघ्र से शीघ्र डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। हो सकता है आपकी दवाइयों की डोज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़े, मॉडिफाई करना हो। और इसके साथ साथ अगर आप कोई हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं या हीट या कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, ये थे प्रमुख कारण जिसमें सर्दियों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन क्यों बढ़ जाता है और कुछ तरीके थे जिससे आप अपने जोड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं इस सर्दियों के मौसम में भी। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी प्रिय को आर्थराइटिस है या अन्य किसी टाइप का दर्द है तो शीघ्र ही अपने निकटतम साउल ऑर्थो केयर के सेंटर को कॉन्टैक्ट करें। दर्द को कभी अनदेखा ना करें। और ऐसे ही अगर आप जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।